ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं समय स्पेशल। ग्वालियर के एक इंजीनियर ने वर्ल्ड क्लास बायो टॉयलेट चेयर बनाई है जो उन बुजुर्गों और मरीजों के लिए मुफीद साबित होगी जो चलने फिरने से लाचार हो या फिर बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। दुनिया की ये पहली स्मार्ट चेयर है जिसमें गंदगी बाहर नहीं आती। पेश है ये रिपोर्ट। माँ की मजबूरी से मिली प्रेरणा, बना डाली बायो टॉयलेट चेयर जो है बुजुर्गों मरीजों के लिए मुफीद। ये है दुनिया की पहली स्मार्ट चेयर जिसकी सरकार भी कर रही है सराहना। जी हाँ, सही सुना आपने, वर्ल्ड क्लास की इस चेयर को ग्वालियर के एक इंजीनियर ने बनाया है जो उन बुजुर्गों मरीजों के लिए मुफीद साबित होगी जो चलने फिरने से लाचार हैं या फिर बिस्तर से नहीं उठ पाते। जयसिंह नरवरिया पेशे से सरकारी अधिकारी हैं, जो बीते कुछ सालों से स्वच्छता मिशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पथरीले इलाकों में बायो टॉयलेट बनाने की उपलब्धि भी हासिल कर चुके हैं। जब माँ की तबीयत खराब हुई और वो अस्वस्थ हुई तो सबसे ज्यादा कष्ट सोच को लेकर होने लगा, जिसके बाद उन्होंने रात दिन मेहनत कर एक बायो टॉयलेट चेयर बना डाली जिसमें न बदबू और न ही गंदगी फेंकने की समस्या। माँ जो बीमार पड़ गई, उनको पैरालाइज हो गया था, 24 घंटे बिस्तर पर रहती थी, तो जब मलमूत्र त्यागती थी उनको काफी परेशानी उसमें होती थी। वो परेशानी को दूर करने के लिए मैं और मेरी पत्नी रोज उनको साफ सफाई करते थे, फिर बिस्तर पर लटाते थे, तो कहती थी मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं ज्यादा देर कैसे लेटूं, तो उनको कुर्सी भी हम लोग बैठाते थे। जब कुर्सी बैठाते थे तो फिर गंदगी करती थी, तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से ये कर ही रही है तो क्यों ना हम इस कुर्सी का ही शौचालय ऐसा बना दें जिससे इनको आराम रहे, बैठ जाएं और पर्दा लगा के बैठे रहे, आराम भी मिलेगा और वो उसका उपयोग भी कर पाएंगे। इस तरह से मेरे रात में कई रातें खराब हुई हैं उसमें डिजाइन करने में, तो इस तरह से मैं उसको डिजाइन कर पाया। उसमें हमने एक स्मार्ट डिवाइस लगाई है जो इस तरह से मिलती जुलती डिवाइस है, उस डिवाइस में सारा मलमूत्र अपने स्वतः ही नष्ट हो जाता है, बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं, केवल पानी उससे बाहर निकलता है। इस टॉयलेट चेयर में लगा टैंक और उससे मौजूद बैक्टीरिया मल को डाइजेस्ट कर देता है और सिर्फ पानी ही बाहर निकलता है। जयसिंह नरवरिया की माने तो इस चेयर का इस्तेमाल बुजुर्गों की देखभाल के लिए तो है ही, इसके अलावा सिंगल बेडरूम घर, लंबी दूरी की यात्रा करने वाली बस के साथ भी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ये काम मुझे भगवान ने दिया तो मुझे इसको और अच्छे से करना चाहिए, तो मैं देखने लगा लोग परेशान होते हैं, टॉयलेट में उनके में बदबू आती है, गंदगी बाहर आती है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इस तरह के जो प्रदूषण हो रहे थे उनसे मुक्ति के लिए मेरे मन में आया कि मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ अलग हटके करना चाहिए। तो मैंने कुछ अलग हटके किया, बायो टॉयलेट पर इस पर रिसर्च किया, लगातार काम किया, करने से मुझे पता लगा कि ये बायो टॉयलेट जो है इससे सारा मल मूत्र खत्म हो जाता है और किसी तरह की कोई बदबू नहीं आती। बैक्टीरिया इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया का कंसोर्शियम होता है, बैक्टीरिया इसमें जब डाल देते हैं तो पूरे मल मूत्र को खा जाता है और खाने के बाद केवल पानी बाहर निकलता है जो हमारे लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, जीवधारी पशु पक्षी के लिए हानिकारक नहीं है। देश और विदेश में सभी जगह बेहतरीन ऑटोमेटिक टॉयलेट चेयर बनाई गई हैं। इन सभी में गंदगी को बाहर निकालकर फेंकने जाना पड़ता है, लेकिन ग्वालियर में बनी इस चेयर में इन बिल्ट चैम्बर को बाहर नहीं निकालना पड़ता। इसके पानी का इस्तेमाल पौधों में खाद के लिए किया जा सकता है। ये पानी जो बाहर निकलता है वो बिल्कुल हानि रहता है, जीवाणु रहता है और किसी भी मनुष्य या जीवधारी के लिए, पशु पक्षी के लिए हानिकारक पानी नहीं है। ये पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीन तरह के लिक्विड खाद होते हैं या तरल जैविक खाद होते हैं। ये तरल जैविक जो खाद है हमारे पेड़ पौधों के लिए, किचन गार्डन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उपयोगी हैं। मैं यूं कहूंगा कि शौचालय के भी एक एक गंदगी हमारे लिए जीवन में उपयोगी है और हम उसको उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं फैलती है, प्रदूषण को भी बचा रहे हैं, जल प्रदूषण को भी बचा रहे हैं, वायु प्रदूषण को भी बचा रहे हैं, वातावरण में जो नुकसान हो रहा था उसको बचाते हुए हम उसको कैसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं वो हम इससे कर पा रहे हैं। साइपन प्रणाली के तहत इनबिल्ट चैम्बर में अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं, इसमें मौजूद बैक्टीरिया गंदगी को पानी बना देते हैं। ये जो टॉयलेट है ये इस तरह का हमारा एक डमी, हम आपको डाइजेस्टर दिखा पा रहे हैं, ये डमी डाइजेस्टर है, इसको ये एयर टाइट होता है, एनारोबिक सिस्टम है पूरा, किसी भी तरह की एयर इसमें नहीं जाती, इसको एयर टाइट कर देते हैं चैम्बर को
और ये टॉयलेट से कनेक्ट कर देते हैं, किसी शौचालय से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जब कोई भी उपयोग करने वाला व्यक्ति इसको यूज करता है, उपयोग करता है, तो सारा मलमूत्र इस पाइप के माध्यम से इसके अंदर आता है। इसमें जो बैक्टीरिया पहले से भरे हैं, वो बैक्टीरिया उसको मलमूत्र को जैसे ही अंदर आता है वो खाने लगते हैं। बैक्टीरिया खाते हैं, और टेक्निकल टर्म्स में कहें तो बायोडिग्रेडेशन उसका होता है। बायोडिग्रेडेशन होने के बाद कंटिन्यूस ये इसमें मीथेन गैस जनरेट होती है। मीथेन गैस का प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो साइफन एक्शन इस पाइप के अंदर होता है। साइफन एक्शन के माध्यम से जिसमें जितना मटेरियल खत्म हो गया वो इसमें आ जाता है पानी, उसके बाद थोड़ा बहुत बच गया है तो इसमें भी जाके बैक्टीरिया उसको खत्म करता है। खाने के बाद लास्ट वाला जो चैम्बर है उसमें केवल पानी आता है, पानी इस पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। स्मार्ट बायोचेयर विशाखापट्टनम में 9 सितंबर से होने वाले इंटरनेशनल फेयर के लिए चुनी गई है। दुनिया भर के लोग भी अब भारत की स्मार्ट चेयर को देखने के लिए विशाखापट्टनम में जमा होंगे। जयसिंह नरवरिया की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में जयसिंह की ओर से डिजाइन किए गए बायो टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के गांव में जो लगे हुए हैं टॉयलेट, वो भी मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। उसका उन्होंने कैलकटा की कंपनी थी, वो कंपनी यहाँ आई, उन्होंने मुझे संपर्क किया। पहले पता किया कि चूंकि ग्वालियर में डीआरडीओ है, डीआरडीओ काम करता है, तो उन्होंने डीआरडीओ में संपर्क किया। डीआरडीओ के माध्यम से मेरे पास हुआ है, मेरे पास संपर्क किया तो मैंने कहा मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपका डिजाइन बिल्कुल निःशुल्क डिजाइन कर सकता हूँ। और मैंने उनको निःशुल्क डिजाइन करके दिया, और जो बैक्टीरिया वगैरह था उसमें भी हमने मदद करी उनको। और वहाँ पे करीब 8 टॉयलेट हैं जो आज की डेट में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनको लगभग 3 साल हो गए हैं, 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। वहीं अब जयसिंह की स्मार्ट चेयर दुनिया की सबसे बेहतरीन चेयर का खिताब जीतने की ओर कदम बढ़ा रही है। समय के लिए ग्वालियर से अनुपमा सिंह।